अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मदर शायद और आप देख रहे हैं कंप्यूटर चंप्यूटर को। आज की वीडियो फुली डेडिकेटेड रहने वाली है माइक से रिलेटेड, और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमने जो है अपने चैनल में कौन कौन से माइक जो है यूज़ किए, और मैं कौन कौन से माइक जो है आपको सजेस्ट करूँगा या फिर रिकमेंड करूँगा। आपका अगर न्यू चैनल है तो जानने के लिए वीडियो जो है लास्ट तक देते रहे, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो से अपडेटेड रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कंप्यूटर चंप्यूटर को और साथ बेल आइकन दबाइए और हमारी हर नई वीडियो से अपडेटेड हो जाइए। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताया चलूँ कि सबसे पहले जो है मैंने अपना जब चैनल स्टार्टअप लिया था तो मैंने कौन से माइक यूज़ किए थे, तो सबसे पहले अगर बताया चलूँ सबसे पहले जब मैंने चैनल अपना स्टार्ट लिया था तो मैंने ये वाला माइक यूज़ किया था। ये यिनवो का जो है माइक है, सिर्फ 100 रुपये इसकी कीमत थी उस टाइम जब मैंने लिया था ये माइक। और जो है ये आप कंपनी देख रहे हैं इसका, ये जो है इसी का जो है बॉक्स है इस कंपनी का, लेकिन मॉडल ये वाला नहीं था, मॉडल सिर्फ थोड़ा सा पुराना था। जब आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको जो है ये वाला माइक यूज़ होता दिखाएगा, जिसमें जो है थोड़ी बहुत नॉइज़ जो रहती थी, लेकिन नॉइज़ जो है रिमूव कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। वो आपको वीडियो के एंड तक बनाऊंगा, तो वीडियो तक बंदे रहें ताकि मैं आपको जो है लास्ट में आपको बता दूं कि किस तरह आप जो है ऑडासिटी के थ्रू जो है अपना माइक से नॉइज़ कैंसिलेशन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल ईजी। तो सबसे पहले जो है मैं वाला माइक यूज़ करता था उसमें जो है मेरी बहुत ज़्यादा नॉइज़ रहती थी, लेकिन मैं इसको रिमूव करके कुछ ना कुछ थोड़े बहुत जो है तरकीबें लगा के जो है नॉइज़ रिमूव कर देता था। उसके बाद मैंने लिया ये वाला मॉडल जिसका यिनवो का वी जो है ये आपका VW001 यिनवो का जो मॉडल था ये मैंने लिया। उसके बाद जिसमें जो है मेरे को जो है नॉइज़ कैंसलर भी मिला, उसके साथ साथ जो है मेरे को काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी दिखी, और ये सिर्फ 150 रुपये में अवेलेबल है मार्केट में, आप चाहें तो जाके ले सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ही मेरे को अच्छा लगा माइक, क्योंकि जब मैं ज़्यादातर मेरी वीडियोज़ जो है मैं इसी से रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ। और जो है आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, तकरीबन 10-15 वीडियोस मेरी अगर आप पहले वाली उठा के देखें, 10-15 वीडियोस से पहले जो भी मैंने बनाने शुरू की उससे पहले, तो उसमें जो है रिकॉर्ड मैंने इसी माइक से किया। और जो है अगर आपको चाहिए कि आप नया चैनल स्टार्ट लें तो आपको सजेस्ट करूँगा आप ये वाला माइक यूज़ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी आसानी से आपको मिल जाएगा मार्केट के अंदर और बहुत ही चीप प्राइस में अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं जो आज मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ और जो मैं अब माइक यूज़ करता हूँ वो कौन सा माइक है। वो असल में कोई माइक्रोफोन नहीं है, वो सिंपल एक जो है हेडफोन है जो कि ओप्पो या वावे की तरफ से जो आपको हैंड फ्री मिलती है, उस हैंड फ्री के अंदर जो है आपको एक अवेलेबल होता है माइक्रोफोन की सहूलत। ठीक है, उस माइक्रोफोन आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जो लगाया है, अगर मैं आपको दिखाता चलूँ सिंपल, तो ये देखें सिंपल हैंड फ्री है जिसके अंदर जो है आपको माइक्रोफोन की सहूलत ओप्पो और वावे के हैंड फ्री के अंदर इसे जो है आपको सहूलत अवेलेबल है। तो वहाँ पर आप जो है उनके हैंड फ्री के अंदर अगर आप ले लेंगे तो उसके अंदर जो है आपको ये सहूलत अवेलेबल। आपके जो सबसे बड़ी बात ये कि सबसे बड़ा नॉइस कैंसलर ही खुद है ये। ठीक है, इसके अंदर कोई ऐसा माइक्रोफोन यूज़ किया गया जो खुद एक जो है नॉइस कैंसलर है। इसमें आपको ऑडासिटी बहुत कम यूज़ करनी पड़ेगी और आपको नॉइस रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा जो है मेरे को माइक समझता हूँ। उसके बाद जो है मैं रिलेटेड आज जो है मैं बोया का, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग भी करूँगा, आज मैं नया माइक लेकर आया हूँ हाशिम फोटोज़ की तरफ से लिया मैंने, तो जो है वीडियो तक बंदे रही है और साथ साथ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं आज जो है बोया by-m1 माइक लेकर आया हूँ, जिसके अंदर जो है आपको जो है ये लेवलियर माइक कहलाता है, जिसको हम लोग कॉलर माइक भी कहते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, ये एक ऐसा माइक्रोफोन है जिसको आप जो है अपने जो है स्मार्टफोन के साथ भी अटैच कर सकते हैं, साथ DSLR और साथ साथ PC के साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा बजट माइक्रोफोन है। अगर मैं इसकी कीमत बता चलूँ सिर्फ 1500 रुपये से लेकर 1800 तक जो है मार्केट के इसकी जो प्राइस है, इसके अंदर आपको अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह के रेट मिल सकते हैं, लेकिन जो है इसकी प्राइस 1500 से 1800 के दरमियान ही आपको मिल जाएगी। साथ में लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस साइड से भी आप जाके देख लेना, आपको 1800 के अंदर मिल सकता है सिंपल जो है। अब आपको क्या करना है, मैं इसको पहले अनबॉक्स करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ उसके अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें मिली हैं, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वॉइस क्वालिटी भी आपको चेक कराता हूँ मैं। सिंपल जो है इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो भाई इसके अंदर हम लोग को एक पाउच मिला है, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का पाउच। उसके साथ हम लोग को जो है एक यूज़र मैनुअल भी मिली है, जिसके अंदर जो है इसको समझाने के तरीक़ेकार लिखे हुए हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है कि कितने डेसिबल जो है इसका सेंसिटिविटी है, और साथ साथ जो है इसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये पढ़ लीजिएगा। इसके साथ जो है इसके डब्बे में हमें ये पाउच मिला है। पाउच में जो है हम लोग को सिंपल एक माइक्रोफोन मिला है, और बहुत ज़्यादा उसकी बड़ी तार मुझे इस टाइम दिखने को दिखी आई है, और के साथ कुछ चीज़ें मिली हैं जिसको जो है हम लोग साथ अटैच करेंगे, उसको साथ जो है इसको जोड़ करके अपने जो है इसकी वॉइस क्वालिटी भी नोट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, हमें इसके माइक्रोफोन मिला है जिसके साथ एक कंडेंसर लगा हुआ है। ठीक है, ये बोया की तरफ से ही, और इसका जो पाउच भी अगर आप देखेंगे तो पाउच के ऊपर भी बोया लिखा हुआ है। ओके, साथ साथ जो है हम लोग को जो माइक को जो सिंपल जो पैक करने के लिए एक पैकिंग मिली जिसके ऊपर भी लिखा हुआ है बोया, और जो है यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें मिली, जैसे कि मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर हम लोग को जो है एक नॉइस कैंसलर देखने को मिल रहा है,
जो कि एक अच्छी क्वालिटी का फॉर्म है, ठीक है, और के साथ साथ जो है हम लोग को एक एम्पलीफायर मिला है, जिसको हम लोग एम्पलीफायर के अंदर लगा सकते हैं सिंपल यहाँ से इस तरह अटैच करके, तो ये आपके जो है एम्पलीफायर में अटैच हो जाएगा और आप जो है सिंपल इसके थ्रू एम्पलीफाई भी कर सकते हैं। ओके, साथ साथ हमें एक क्लिप देखने को मिला है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है, सिंपल आपको अपने कॉलर पे लगाना है तो आपकी जो है ये सिंपल आपके कॉलर पे अटक जाएगा, अटैच हो जाएगा। ओके, साथ हम लोग को एक पेंसिल बैटरी देखने को मिली जिसके थ्रू जो है आप अगर कैमरे में अटैच करेंगे तो पावर जो है ये यहाँ से लेगा। तो सिंपल जो है बैटरी को पहले इसके अंदर लगाते हैं, उसके बाद जो है देखते हैं कि क्या होता है, उसके बाद जो इसकी वॉइस क्वालिटी भी नोट करेंगे। तो सिंपल जो इसको आपने इस तरह घुमा करके बैटरी जो है आपने इस पोर्शन के अंदर लगा देनी है। सिंपल जो है प्लस साइड ऊपर लगेगा, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ भी है कि प्लस साइड जो है ऊपर की साइड है, थोड़ा मैं फोकस कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जो है प्लस साइड जो ऊपर है और नेगेटिव साइड नीचे, तो प्लस साइड जो बैटरी का वो ऊपर की साइड लगेगा। सिंपल यहाँ अटैच कर देता हूँ, सॉरी। तो सिंपल आपको इस तरह अटैच करना है, उसके बाद जो है यहाँ से आपने इसको क्लोज कर देना है। तो अब इसके अंदर जो है हम लोग को दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर पहला ऑप्शन है जो आपको लिखा हुआ है ऑफ या फिर स्मार्टफोन। अगर आपको ये ऑफ कंडीशन पे होगा या फिर स्मार्टफोन कंडीशन पे होगा तो उसके अंदर जो है आप लोग पीसी के अंदर अपने अटैच कर सकते हो और साथ साथ जो है स्मार्टफोन के अंदर अटैच कर सकते हो अगर आप इस कंडीशन पे माइक्रोफोन अगर आपका है। अगर आपको जो है DSLR के साथ अटैच करना है तो सिंपल आपने जो है इसको ऊपर की तरफ ले जाना है, तो ये क्या होगा, ये पावर जो है इस बैटरी के थ्रू लेगा जो कि हमने इसके अंदर पुट की है, और सिंपल क्या करेगा ये जो है आपका DSLR साथ कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि DSLR में कोई पावर सप्लाई का ऑप्शन नहीं होता है। सिंपल अभी हम लोग जो है इसको अपने PC के साथ अटैच करेंगे और उसको देखेंगे कि हम लोग किस तरह का रिजल्ट देखने को हमारे मिल रहा है। तो अभी आपको मैं कराता हूँ वॉइस टेस्ट। तो इस टाइम जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे अपना जो है माइक को बिल्कुल जो है सेटअप करके जो मैंने अपने यहाँ पे अटैच कर दिया, और अब जो आप वॉइस सुन रहे हैं ये विदाउट एनी सेटिंग के जो है इस माइक के थ्रू आ रही है। और सिंपल अगर आप वॉइस सुन रहे हो थोड़ी एम्पलीफाइड की है, लेकिन मैंने इसके अंदर लेकिन नॉइस कैंसिलेशन मैंने इसके ऊपर इफेक्ट नहीं लगाया, और अब जो आप वॉइस सुनेंगे उसमें जो नॉइस कैंसिलेशन इफेक्ट लगाऊंगा उसके बाद आपको बताऊंगा। तो अब जो आप वॉइस सुन रहे हैं ये एम्पलीफाइड हुई हुई है, और साथ साथ मैंने नॉइस कैंसिलेशन इफेक्ट लगाया, और साथ ही जो है आपको बोया के by-m1 से मैंने लिए रिकॉर्ड किए। सिंपल जो है अब जो है आपको वॉइस सुन रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, उसके अंदर आपको नॉइस कैंसिलेशन और बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होगी, क्योंकि माइक जो है खास तौर पे बना इसीलिए। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और साथ साथ अगर मैं आपको मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो है ऑडासिटी के ऊपर जो है आप ये इफेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप नॉइस कैंसिलेशन कर सकते हो आपके पास 100 रुपये का माइक क्यों ना हो। तो सिंपल सबसे पहले जाइए लिंक में, मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ जाके आप पहले ऑडासिटी डाउनलोड कर लीजिए, फ्री बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके पहले डाउनलोड कीजिए। कर लिया, ठीक। अब जो है आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो है ऑडासिटी ऑन करें, और ऑडासिटी ऑन करने के बाद आप देख रहे हैं कि मैंने सिंपल क्या है, पहले आप वॉइस कोई भी रिकॉर्ड कर दें, ठीक है। वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद सिंपल आपने जो है पूरे को जो एरिया सेलेक्ट करें जिस जगह पे आपको लगता है कि नॉइस है, वो एरिया सेलेक्ट करने के बाद जो है आपने सिंपल इफेक्ट पर जाएं, इफेक्ट पर जाने के बाद नॉइस रिडक्शन के ऊपर जाएं, उसके बाद जो है आपने क्या करना है गेट नॉइस प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। गेट नॉइस प्रोफाइल क्लिक करने के बाद अब आप जो है इसको ओके कर दें, उसके बाद जो है पूरे का पूरा इसको आपने जो है सिलेक्ट कर लेना है। जब आप पूरे को इसको सिलेक्ट कर देंगे अपनी ऑडियो को, उसके बाद जो दोबारा इफेक्ट में जाने के बाद नॉइस रिडक्शन पे जाएं, उसके बाद जब आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो है नॉइस रिडक्शन हो गई, और आपकी सिंपल एक नॉइस रिमूवल आपने घर बैठे ही कर लिया। जो बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस था, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आई होगी, तो लाइक दीजिएगा और साथ साथ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो से अपडेटेड रह सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।